हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा, वी आर डीलिंग विद 10 एएम डेली सीरीज, तो आज उसका लेक्चर नंबर 32 आ गया है। तो आज हम देखते हैं कि आज कौन कौन लोग कट ऑफ क्लियर करने वाले हैं। आज का कट ऑफ जो होने वाला है वो 7 marks है, ठीक है, क्योंकि इस बार डिफिकल्ट भी है और ईजी भी है। इट डिपेंड्स कि आपने करंट अफेयर्स और ये चीज़ें कैसी देख रखी हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है विथ रेफरेंस टू न्यू डेवलपमेंट बैंक। आई थिंक ये बैंक के बारे में सुना होगा आपने। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन से स्टेटमेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड करेक्ट हैं, ये पूछा गया है। ओके, पहला स्टेटमेंट है कि ये बैंक सार कंट्रीज ने एस्टैब्लिश किया है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि ईच मेंबर ऑफ कंट्री हैज एन इक्वल शेयर। जिसने भी बैंक बनाया है उस कंट्रीज का शेयर इक्वल है, और किसी भी कंट्री के पास नो कंट्री हैज एनी वीटो पावर, किसी भी कंट्री का वीटो पावर नहीं है। और थर्ड स्टेटमेंट है इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली इंडिया में है। तो आई थिंक आपको करेक्ट आंसर मार्क करना 1 and 2, 2 only, 1 and 3, दैट इज 1, 2 and 3 only। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, तो अगर आपको नहीं बन रहा है, इट्स एन ईजी क्वेश्चन। आई कुड से न्यू डेवलपमेंट बैंक बहुत फेमस बैंक है जिसको ब्रिक्स नेशन ने मिलकर बनाया है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आप कट करो तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है, दैट इज 2 only। तो देखा अपन ने फर्स्ट ऑप्शन से ही आंसर निकाल दिया। रिमेंबर, इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, इट इज लोकेटेड इन शांघाई चाइना। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि इसका लोकेशन कहाँ है। अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक रिसेंटली न्यूज में था, ठीक है, क्यों न्यूज में था, इसमें रिसेंटली किसी की अपॉइंटमेंट हुई है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है एनडीबी में किसकी रिसेंटली अराउंड 15 डेज पहले इसमें अपॉइंटमेंट हुई है। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए किस पोस्ट के लिए और किसकी अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है। इसमें दो लोग की अपॉइंटमेंट हुई है, मैं हिंट दे रहा हूं आपको, एक इंडियन भी है। ओके, चलिए मैं आपको बता देता हूं, प्रेसिडेंट आपको बताना है कि कौन बने हैं एनडीबी के, और वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं, दोनों के आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर 2। याद रखिएगा इसमें इक्वल शेयर होता है, ठीक है, ब्रिक्स ने मिलकर बनाया है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म आपको बताऊंगा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ओके, शांघाई चाइना में है, और हर कंट्री का इक्वल, यहां पर याद रखना है आपको, इक्वल ओनरशिप है, इक्वल शेयर लगा हुआ है, और किसी के पास भी वीटो पावर नहीं है। ओके, तो आप मुझे ये बताएंगे कि इस बार की जो ब्रिक्स सबमिट हुई थी, ठीक है, 2020 की, ओके, वो कहां पर होने वाली है, या तो हो गई है तो कहां पर हुई है, और अगर होने वाली है तो कहां पर होगी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। मैं आपको बता दूं, जिसने मेरे कोर्स अगर ले रखा है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रखी है, तो इट वुड बी एन ईजी क्वेश्चन, और जिसने नहीं ले रखा वो चाहता है कि इन टॉपिक्स को पढ़ना, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट पर जाकर इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर्स को भी बाय कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ओके, तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक है, इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला, मल्टी क्रॉप फार्मिंग होती है इसमें। सेकेंड, लेबर इंटेंसिव है। थर्ड, इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज है। एंड द फोर्थ, इट इज कैपिटल इंटेंसिव। तो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज करेक्ट। प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन है 1 and 2, 2 and 3, 1, 2, 3, 4 सारे करेक्ट हैं, ठीक है, जो चौथा स्टेटमेंट है। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में आपको पता होगा, देन इट वुड बी इजी क्वेश्चन, वदर इट वुड बी डिफिकल्ट क्वेश्चन। आई थिंक आपने करेक्ट आंसर मार्क कर लिया होगा, जिससे नहीं मार्क किया है बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है सी, दैट इज 2, 3 and 4। रिमेंबर, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है। प्लांटेशन क्रॉप वो क्रॉप होती हैं, रिमेंबर, जो प्रॉफिट ओरिएंटेड बनाई जाती हैं, ठीक है, प्रॉफिट के लिए बनाई जाती हैं। एक फैक्ट्री जो होती है, एक फैक्ट्री को पूरा प्रोडक्शन देने के लिए बनाई जाती है वो क्रॉप, है ना। तो जनरली याद रखिएगा, जो क्रॉप होती है पर्टिकुलर लैंड में, पूरे लैंड में सिर्फ वही क्रॉप ग्रो की जाती है। एग्जाम्पल अगर मैं प्लांटेशन क्रॉप का दूँ तो रबड़ हो सकता है, टी हो सकती है, कॉफी हो सकती है, शुगर केन हो सकती है। दिस कुड बी द एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर मल्टीपल क्रॉप फार्मिंग नहीं होती है, यहाँ पर एक सिंगल क्रॉप लगाई जाती है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, इट इज अ लेबर इंटेंसिव। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लगाई जाती है, क्योंकि ऑफकोर्स आपको लार्ज प्रोडक्शन करना है, यू नीड दैट टेक्नोलॉजी, प्लस कैपिटल इंटेंसिव तो है ही, क्योंकि यू हैव टू इन्वेस्ट ऑल्सो। तो याद रखना, आपकी आपको इसकी PDF ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएगी, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप PDF भी इसकी गेन कर सकते हैं। तो याद रखिए, सिंगल क्रॉप होती है इसमें, ठीक है, बाकी तो सारे पॉइंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एग्जाम्पल याद रखना, टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है। तो याद रखिएगा, मार्केट ओरिएंटेड होती है, मार्केट प्रॉफिट के लिए होती है, तो बड़ी जो फैक्ट्रीज होती हैं
उनके लिए पूरे क्रॉप पूरे लैंड में वही क्रॉप लगी जाती है और वो क्रॉप उनको दे दी जाती है. ओके तो याद रखिएगा प्रॉफिट ओरिएंटेड क्रॉप होती है. ठीक है जिसका आंसर था दैट इज वी हैव ऑलरेडी डन. ओके ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इजी हो सकता है. प्रयाग और कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स है, मैंने हर बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है क्वेश्चन. ओके यहाँ पर चार प्रयाग दिए हुए हैं, यहाँ उनका मिक्सअप दिया, आपको बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है. ओके रुद्रप्रयाग अलकनंदा एंड मंदाकिनी, विष्णुप्रयाग धौलीगंगा एंड अलकनंदा, कर्णप्रयाग अलकनंदा एंड पिंडारी एंड देवप्रयाग अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर. तो इनमें से कौन से करेक्टली मैच्ड हैं, ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, 4 ओनली 1 2 4, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, ये सारे करेक्ट हैं. तो आई थिंक इफ यू नो ऑल दीज 5 प्रयाग्स इट वुड बी इजी. मैंने चार प्रयाग यहाँ पे दिए हैं, इज द करेक्ट आंसर इज डी 1 2 3 4. चारों प्रयाग करेक्टली मैच्ड हैं. ओके कोई दिक्कत नहीं, सारे करेक्टली मैच्ड हैं, एक प्रयाग यहाँ पर मिसिंग है. ओके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा प्रयाग है जो मैंने यहाँ पे मिस कर दिया है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए. और नॉर्थ से साउथ ओके इन पांचों प्रयाग को अरेंज करके आप बताइए. ठीक है और अगर अरेंज नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका तो आंसर डी है यहाँ पर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. ओके ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पीडीएफ ऑलरेडी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी. वी हैव ऑलरेडी डन रुद्रप्रयाग देवप्रयाग विष्णु कर्णप्रयाग, हम ऑलरेडी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं. ओके और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आप अरेंज भी कर सकते हो उन पांचों प्रयाग्स को. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इंडियन ज्योग्राफी से अगेन रिलेटेड है. कंसीडर अ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सॉइल ग्रुप, यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हुए हैं सॉइल के और पूछा गया है ये फीचर्स किस सॉइल के हैं. पहला फीचर है कि ये जो सॉइल है ये वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स और राजमहल हिल्स में मिलती है. सेकेंड स्टेटमेंट है ये फॉर्म होती है ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लीचिंग. एंड थर्ड दिया है दिस सॉइल इज गुड रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के लिए सॉइल को यूज किया जाता है. ऑप्शन है ये बात कर रहे हैं ब्लैक सॉइल का, एलुवियल सॉइल का, रेड सॉइल का या लेटराइट सॉइल का. तो ये चार ऑप्शन से आपको बताना है ये फीचर्स किस सॉइल के बारे में हैं. तो आई थिंक अगेन किसी ने मेरी इंडियन ज्योग्राफी सीरीज देखी इट वुड बी इजी क्वेश्चन. याद रखिएगा प्रोसेस ऑफ लीचिंग बोल दिया गया है, मतलब लेटराइट सॉइल. दिस इज एन इंपॉर्टेंट आंसर, इसका करेक्ट आंसर लेटराइट सॉइल. रिमेंबर लेटराइट मतलब ही होता है, आपको याद रखना, ब्रिक्स के लिए भी यूज होती है. ठीक है तो कंस्ट्रक्शन वर्क में भी लेटराइट सॉइल का यूज किया जाता है. ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर दैट इज डी लेटराइट सॉइल. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में फिफ्थ में आते हैं, इट इज अबाउट इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चन. ओके क्वेश्चन है इंडियन क्लाइमेट से रिलेटेड, आपको पता है मॉनसून का टाइम है तो उसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है. पहला स्टेटमेंट है रेनफॉल ओवर द कंट्री इज प्राइमरली ओरोग्राफिक. तो अगर किसी ने फिर से ये ओरोग्राफिक समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर्स भी देख सकते हैं, उसके लिए भी आपको बायोडाटा में लिंक मिल जाएगी वेबसाइट की, वहां से आपको फिजिकल ज्योग्राफी आप देखेंगे तो आपको ओरोग्राफिक रेनफॉल भी समझ में आ जाएगी. तो पहला पॉइंट लिखा हो कि इंडियन में जो क्लाइमेट है मॉनसूनल क्लाइमेट है उसमें जो रेनफॉल हो रही है प्राइमरली ओरोग्राफिक होती है. और सेकेंड लिखा है कि हमारे यहाँ जो रेनफॉल होती है जनरली टोरेंशियल इन नेचर होती है. टोरेंशियल मतलब हैवी, मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है. ठीक है तो ऑप्शन आपके सामने, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, दोनों सही हैं या दोनों ही गलत हैं. ओके सो इट वुड बी इजी क्वेश्चन इफ यू हैव डन माय सीरीज. इट्स करेक्ट आंसर इज सी 1 एंड 2 बोथ. रिमेंबर बिल्कुल सही है, हमारे इंडिया में मैक्सिमम जो रेनफॉल है वो ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है. व्हाट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल, अगेन फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर्स देखिए, इट इज एन इजी क्वेश्चन. और टोरेंशियल, यस ज्यादा अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है इंडिया में. ठीक है तो इट इज अ टोरेंशियल इन नेचर, 3 to 4 मंथ्स ही हमारे यहाँ रेनफॉल होती है जो मॉनसून का टाइम होता है मेनली. ठीक है तो इट इज अ टोरेंशियल इन नेचर. ओके तो इसका करेक्ट आंसर इज दैट इज अ सी बोथ 1 एंड 2. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. ये जो आर्ट मैंने आपसे पूछी है ना गोरबत्ती आर्ट, ये एक्चुअली फेमस है, न्यूज में थी इस बार. ओके तो मैंने पूछा इट इज रिसेंटली न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच कम्युनिटी. ऑप्शन है दांगर कम्युनिटी, बंजारा कम्युनिटी, गोंस या भील्स. अब ये न्यूज में क्यों होती है, आपने सुना होगा 2020 जब अपन वर्ल्ड वुमेन डे इंटरनेशनल वुमेन्स डे बना रहे थे, आपको पता होगा इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब बनाते हैं. ओके चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब बनाते हैं और इस बार की थीम क्या थी इंटरनेशनल वुमेन्स डे की. ओके तो इस बार हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना जो अकाउंट था इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का जो अकाउंट था वो उन्होंने वुमेन्स के नाम कर दिया. ओके तो उसमें बहुत सी चीज़ें शेयर की गई थी. तो एक्चुअली नरेंद्र मोदी की तरफ से जो शेयर किया गया था वो एक ये आर्ट भी शेयर की गई थी. ठीक है बहुत फेमस ये आर्ट के बारे में बताया गया था, दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको कवर किया इस बार अपने एग्जाम में जो आ सकता है. मार्च में न्यूज में था तो आपको बताना है किस कम्युनिटी से रिलेटेड है ये आर्ट. इसका करेक्ट आंसर है बंजारा कम्युनिटी. ओके सो दैट इज वाई उन्होंने अपना वीडियो अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया में इस आर्ट के बारे में डालेंगे तो आपको वो उनका ट्विटर हैंडल दिख जाएगा जिसमें ये आर्ट के बारे में सब शेयर किया गया है. ओके सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझे ना कैसे बैकड्रॉप में क्वेश्चन हमने
हमने लिया है, है ना, है ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन, बट वी हैव टेकन फ्रॉम द बैकड्रॉप ऑफ आर प्राइम मिनिस्टर. ओके, तो याद रखिए एसोसिएटेड विद बंजारा कम्युनिटी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ. क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है द टर्म अरीबाड़ा. याद देखिए ये टर्म अरीबाड़ा जो है ये किससे रिलेटेड है. ठीक है, ऑप्शन है इकोलॉजिकल नीच, इकोसिस्टम एफिशिएंसी, पॉपुलेशन इंडेक्स या मास नेस्टिंग साइट ऑफ टर्टल्स. ओके, तो आपको बताना है ये अरीबाड़ा जो है ये किससे रिलेटेड है. इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनवायरमेंट. ओके, क्वेश्चन है ऐसे, इसके आने के चांसेस हैं इस बार. इसका करेक्ट आंसर आई थिंक यू हैव मार्क द करेक्ट आंसर इफ यू नोन, नहीं पता तो इट वुड बी डिफिकल्ट. इसका करेक्ट आंसर डी है. इट्स अ मास नेस्टिंग साइट ऑफ ओलाइव रेडली टर्टल, वेरी फेमस टर्टल हु कम एट द बीच ऑफ. वो आपको मुझे बताना है कि किस स्टेट की ये स्टेट है, कौन सा स्टेट है. ऑप्शन में दे रहा हूँ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु. किस स्टेट में ये ग्रेट ओलाइव रेडली टर्टल्स जो है वो आते हैं, मास नेस्टिंग होते हैं, और उस मास नेस्टिंग को हम अरीबाड़ा कहते हैं. ओके, तो आप मुझे बताएंगे कि कहां पर ये मास नेस्टिंग होती है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए. इसका करेक्ट आंसर इज दैट इज व्हाट, डी, मास नेस्टिंग साइट ऑफ टर्टल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एनवायरमेंट से रिलेटेड मैंने लिया है, ट्रैफिक. व्हाट इज दिस ट्रैफिक. ओके, इट्स आर द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क. ओके, तो याद है कि वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है. ठीक है, इज अ ज्वाइंट कंजर्वेशन प्रोग्राम. ये ज्वाइंट कंजर्वेशन प्रोग्राम है किसका, आपको बताना है. ऑप्शन है WWF, IUCN पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा UNEP एंड IPCCC, थर्ड है WWF एंड UNDP, एंड द फोर्थ इज UNEP एंड UNCBRD CBD. ओके, तो आपको बताना है किसके कॉम्बिनेशन से ट्रैफिक बनाया गया है. दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, आई थिंक यू हैव मार्क्ड द करेक्ट आंसर इफ यू नोन, नहीं पता है तो इट मे बी अ टिपिकल क्वेश्चन. ओके, याद रखिएगा ये ऑलरेडी UPSC पूछ चुका है. इसका करेक्ट आंसर है WWF एंड IUCN. रिमेंबर, आपको मुझे पहली बात तो मैं बता दूं, ट्रैफिक है ये वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है और WWF INC का ज्वाइंट वेंचर है. इसमें करते क्या है, आपको याद रखना है कि जो ट्रेड होता है वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स का, ठीक है, तो ये देखा जाता है इज नॉट द थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर. इस तरह ट्रेड ना हो जिससे नेचर को कंजर्वेशन में थ्रेट हो, तो ये उसको कंट्रोल करने की ट्रैफिक बात करता है. आपको मुझे WWF का फुल फॉर्म और इसका हेडक्वार्टर कमेंट बॉक्स में बताना है, और IUCN का फुल फॉर्म और इसका हेडक्वार्टर कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना है. ठीक है, तो ट्रैफिक इज इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ. अगेन लास्ट में मैंने जो अपना लास्ट सीरीज थी उसमें मैंने क्वेश्चन एक पूछा था. ठीक है, लोगों ने कमेंट भी किया सर गल्फ ऑफ एडन में इथोपिया नहीं आ रहा है, बट देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू गेट इनटू द आंसर. तो वहाँ मैंने आंसर दे दिया था इथोपिया को टच, इथोपिया ऑल्सो लैंड लॉक कंट्री, डजेंट टचेस, बट स्टिल आई थिंक प्रीवियस लेक्चर जिसने देखा होगा वो समझ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ. बट जो ओमान है वो तो बहुत ही ऊपर लाई करती है. ओके, तो चलिए इसलिए आंसर मैंने वहाँ पर ओमान को नहीं कंसिडर किया है. ओके, बट वैसे ही क्वेश्चन कुछ मैंने आज दोबारा फिर से लिया है. ओके, इस बार मैंने जो सी ली है वो ली है एगियनसी. ओके, अब मैंने पूछा ये एगियनसी, ठीक है, किसकी ओर, मतलब कौन सी कंट्री उसको टच नहीं करती है. ठीक है, ऑप्शन है टर्की, ग्रीस, अल्बेनिया या क्रोशिया. तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना आंसर 1 and 2, 3 and 4, 1 and 3 या 2 and 4. तो दोज हु हैव नोन दिस आंसर इट कुड बीन ईजी. मतलब एगियन सी अगर किसी को लोकेशन नहीं पता हो, यूरोप में है, मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, तो इट वुड बी अ टिपिकल क्वेश्चन. टर्की, ग्रीस, अल्बेनिया, क्रोशिया. आई थिंक यू हैव मार्क द करेक्ट आंसर. टर्की को टच करता है, मैं आपको बता दूँ, तो वन तो हो नहीं सकता. ठीक है, अब बचा ग्रीस, तो मैं बता दूं ग्रीस को भी टच करता है, तो इसका आंसर है दैट इज 3 and 4. अल्बेनिया और क्रोएशिया को टच नहीं करता है एजेंसी. देखिए मैं आपको डायग्राम भी दिखा देता हूं, दिस इज योर एजेंसी, यू कैन सी. ठीक है, ये आपका टर्की है. ओके, एंड दिस इज योर ग्रीस, ये है अल्बेनिया. तो अल्बेनिया को एजेंसी टच नहीं कर रहा है, और यहीं पर पास में आप देखें क्रोएशिया भी है, तो याद रखिए वो टच नहीं करता है. तो ये क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम्स में फेवरेट रहे हैं और ऐसे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं. ओके, तो द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी. ओके, हम लास्ट क्वेश्चन में आ गए हैं, करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ नेचर इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब राइट्स ऑफ नेचर को कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज किया है, कौन सी कंट्री ऐसी है. ऑप्शन है इंडिया, बोलिविया, न्यूजीलैंड या इक्वाडोर. ओके, तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है. आई थिंक यू हैव मार्क्ड द करेक्ट आंसर. जिसको नहीं पता है मे बी इट कुड बी अ टिपिकल, क्योंकि देखो करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली यू कैन मार्क द करेक्ट आंसर. इसका करेक्ट आंसर डी, इक्वाडोर. ओके, आपको मुझे बताना है ये इक्वाडोर किस कॉन्टिनेंट में है और इसकी कैपिटल क्या है. दोनों मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे. इट इज वेरी फेमस इक्वाडोर. ओके, सो इसका करेक्ट आंसर इक्वाडोर, और यू हैव टू टेल मी वेयर द कंट्री इज लोकेटेड, कॉन्टिनेंट एंड इट्स कैपिटल. ओके, तो इसने रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया है, दैट इज, रिमेंबर, इट इज रिसेंटली रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ नेचर इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो वी हैव डन द 10 AM डेली सीरीज, और आई थिंक वी हैव डन द 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे. इस बार कट ऑफ 7 क्वेश्चन है, थोड़ा हाई कट ऑफ है.
तो क्योंकि कुछ क्वेश्चन ईजी भी थे इस बार के, ओके, बट स्टिल आई थिंक कुछ ट्रिकी हैं, यू एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चन. इसकी पीडीएफ आपको चाहिए, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, यू कैन एबल टू ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल. प्लस मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, यू आर नॉट गेटिंग सर बेसिक्स कहाँ से आ रहे हैं, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जहां पर आप चाहें तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स भी बाय कर सकते हैं, ठीक है. और इवन आपको अगर पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपको उसका नंबर भी दिया हुआ, व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप में क्यूरी ले सकते हैं, और यू कैन ज्वाइन आर कंप्लीट कोर्स, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा. क्योंकि अगर आपको बेसिक क्लियर हो देन इट वुड बी एन ईजी टास्क, ओके. और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करते रहें, आप लोग लाइक कर रहे हैं, ये बहुत पॉजिटिव थिंग है. ऐसे ही लाइक शेयर करते रहें. जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करें, बहुत सारे हमने लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट बना रखे हैं, आप उनको विजिट कर सकते हैं और उनको भी देख सकते हैं, अगर आपको स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखनी हो तो. थैंक यू.